आप सभी को शुभ प्रभात। आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग एक की पाठ संख्या एक, जिसका शीर्षक है दो बैलों की कथा और लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस पाठ के प्रथम भाग में मैंने आपका परिचय लेखक से करवाया था, जिसमें मैंने प्रेमचंद के जन्म स्थान, उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी थी। आज हम कहानी के प्रथम भाग से शुरुआत करेंगे, तो उसका सारांश मैं इस पूरी कहानी का आपको सुनाऊंगा। आज प्रथम भाग का सारांश लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, तो आइए शुरुआत करते हैं। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। इसके प्रमुख पात्र दो बैल हैं, हीरा और मोती। ये दोनों बैल सीधे साधे भारतीय लोगों के प्रतीक हैं। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रेमचंद्र जी ने ये कहानी तब लिखी थी जब भारत गुलामी के परिवेश में था। उस समय बैलों के माध्यम से भारतीय गुलाम जनता के ऊपर उन्होंने ये कहानी लिखी थी, जो किस प्रकार मेहनती होते थे और अत्याचारों को सहते थे, तथा किस प्रकार क्रांतिकारियों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया होगा। आज़ादी बिना संघर्ष के ही हासिल नहीं हो सकती। ये शक्तिशाली, कमाऊ और सीधे साधे होते हुए भी मनमाने अत्याचार सहते हैं। कहानीकार इनके माध्यम से भारतीय लोगों की परतंत्रता यानी गुलामी को दिखाना चाहता है। अर्थात आप समझ गए होंगे कि यह कहानी भारतीय परतंत्रता को दर्शाने के लिए लिखी गई है। अब इसके प्रथम भाग के सारांश को मैंने चार भागों में बांट लिया है। पहले से शुरुआत करते हैं। बैल एक सीधा जानवर। किसी भी कहानी का संक्षिप्तीकरण करने का यह एक आसान तरीका है कि अगर कहानी बहुत लंबी है तो आप उसका संक्षिप्तीकरण कीजिए और उसके सारांश को समझिए, यानी सारी महत्वपूर्ण बातों को एकत्रित कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। बैल एक सीधा जानवर। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिमान माना जाता है। यह एक व्यंग है जिससे प्रेमचंद्र ने शुरुआत की है। इसका सबसे बड़ा कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता। वह सुख, दुख, हानि, लाभ सभी में एक जैसा रहता है। इसी सीधेपन और सहनशीलता के कारण ही भारतीयों को भी अफ्रीका और अमेरिका में अपमान का सामना करना पड़ता है। यहाँ गधे के सीधेपन को दर्शाने की कोशिश की गई है और व्यंग किया गया है कि वह बुद्धिमान है। गधे से कुछ ही कम सीधा एक और प्राणी है, बैल। यह कभी कभी अड़ भी जाता है, इसलिए इसका स्थान गधे से कुछ नीचे है। अर्थात बैल भी मेहनतशील होता है, बैल भी काफी काम करता है, लेकिन बैल कभी कभी गुस्सा भी दिखाता है, अड़ भी जाता है। इसलिए मूर्खता में सीधेपन का पर्याय यहाँ मूर्ख है। प्रायः हम समाज में देखते हैं कि जब हमें किसी को मूर्ख कहना होता है तो हम उसे मूर्ख न कहकर गधा कह देते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर गधे से थोड़ा सा नीचा स्थान है बैल का। अब इसके दूसरे अंश पे आते हैं, हीरा और मोती सच्चे मित्र। इसके माध्यम से और हीरा मोती के बारे में हम जानेंगे। झूरी नाम का एक किसान एक गांव में रहता था। उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती, दोनों पछाई जाति के। पछाई बैलों की एक बहुत अच्छी जाति है। दोनों पछाई जाति के सुंदर, सुडौल और चौकस बैल थे। लंबे समय से साथ साथ रहते हुए उनमें गहरा प्रेम हो गया था। वे साथ साथ खाते, खेलते और धौला धप्पा करते थे। वे एक दूसरे को चाट सूंघकर प्रेम प्रकट करते थे तथा आंखों से ही एक दूसरे की बात समझ लेते थे। जब एक नाद में मुंह डालता तो दूसरा भी नाद में मुंह डालता, जब एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी मुंह हटा लेता था। इतना गहरा प्रेम और भाईचारा था दोनों के बीच। इससे उनके बीच की गहरी दोस्ती का पता चलता है, इससे उनके बीच एकता का पता चलता है। हीरा
मोती झूरी के ससुराल में। एक बार क्या हुआ कि झूरी की पत्नी का भाई, जिसका नाम गया था, यानी झूरी का साला, किसानी के किसी कार्य हेतु झूरी से उसके दोनों बैलों को कुछ दिन के लिए मांगने के लिए आ गया। संयोग से झूरी ने दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। बेचारे बैल समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया है, अतः वे अड़ गए। छुरी का साला उन्हें आगे धकेलता तो वे पीछे जोर लगाते। जैसे तैसे सांझ को नए स्थान पर पहुंचे, यानी पूरे रास्ते उन्होंने परेशान किया गया को। एकदम उसके साथ इतना ज़्यादा जोर लगाया कि गया भी घर जाते जाते पूरी तरह से थक गया। थक ही नहीं गया, दोनों बैलों पर मन ही मन काफ़ी क्रुद्ध हो गया। लेकिन वहाँ पहुँचकर बैलों का मन जरा सा भी ना लगा। उन्होंने चारे में मुंह न डाला, नया घर उन्हें बेगाना सा लगा। यहाँ प्रेमचंद्र जी ने यह दर्शाने की कोशिश की है कि अपना शासन जो होता है, अपना जो घर होता है, अपना शासन होता है, वो चाहे कैसा भी हो, हम सभी को प्रिय होता है। नई जगह, दूसरे का शासन, गुलामी और प्रतंत्रता कभी भी हमें सुखी नहीं बना सकती। इसीलिए जानवर भी अपना घर छोड़कर जब गया के घर आए तो वो जरा भी सुख का अनुभव नहीं किए, चारे के दाने में एक बार भी मुंह नहीं डाला। बैल वापस झूरी के घर। ऐसे में जब लोग अपनी गुलामी से परेशान हो जाते हैं, अपने शासन को ढूंढते हैं, तो वो विद्रोह पर उतर आते हैं। क्योंकि अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे, यहाँ प्रेमचंद्र यही बताना चाहते हैं कि अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आपको आज़ादी नहीं मिलेगी। यहाँ दोनों बैल क्रांतिकारियों के प्रतीक हैं। दोनों बैल परेशान थे, मन तो लग नहीं रहा था। रात को दोनों बैलों ने कनखियों से एक दूसरे को देखा। सलाह हो गई आपस में, चुपचाप सलाह की और पगहे को तोड़कर झूरी के घर चल पड़े। पगहा यहाँ देशज शब्द है, रस्सी होती है जो पशुओं को बांधने के लिए प्रयोग की जाती है, उसे पगहा कहते हैं। झूरी ने सुबह अपने बैलों को चरनी पर देखा तो गदगद हो गया। एकदम प्रसन्न, कोई भी मालिक जो अपने पशुओं को बहुत स्नेह करता है, इस प्रकार उन्हें आया हुआ देखकर छुरी की खुशी का ठिकाना न रहा। पत्नी जरूर क्रुद्ध हो गई, वह उन्हें नमक हराम कहने लगी। गुस्से के कारण उसने बैलों को सूखा चारा डाला। बैल बेचारे चारा खाएं तो कैसे। झूरी ने नौकर को चारे में खली डालने को कहा, किंतु मालकिन के डर से रह गया। प्रायः हमारे समाज में जो औरतें हैं, उन्हें अपने मायके से बहुत प्रेम होता है। अब आप उनके बारे में कुछ कह लीजिए, लेकिन उनके मायके की आलोचना वो जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और हीरा मोती तो उसके मायके के काम से इनकार करके भाग गए थे। इन्हें तो सजा मिलनी ही थी। कहानी और भी रोचक है अगले अंश में, लेकिन उसका पठन हम अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस पाठ में आए कुछ जटिल शब्द जैसे सहिष्णुता, इस अंश जिसका सारांश मैंने आपको सुनाया, इसमें कुछ जो जटिल शब्द आए थे, जैसे सहिष्णुता का अर्थ होता है सहनशीलता, अनायास अर्थात अचानक, पराकाष्ठा अर्थात चरम सीमा, मूक का अर्थ होता है मौन, पछाई पशुओं की एक नस्ल है। आपका गृह कार्य है, जितना भी सारांश आपने श्रवण के माध्यम से आज सुना, उसके आधार पे इसी के बीच से अगर आपने अच्छे से श्रवण किया होगा तो निश्चय ही आप इस प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे। किन बातों से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी मित्रता थी। हीरा और मोती सच्चे मित्र, यहाँ मैंने वो चीज़ बोली है, तो आप उस आधार पे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। साथ ही इस अंश का पूर्ण पठन आप किताब के माध्यम से अपने घर पे करेंगे। अगले अंश को लेकर मैं अगले वीडियो में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।